यूक्रेन को हथियार सप्लाई के फ्लो में नहीं होगी बढ़ोतरी, ब्लूमबर्ग ने यह कहा। और इसी को सपोर्ट करने वाली खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई कि जर्मनी ने टैंक्स देने से मना कर दिया। रूसी मोबिलाइजेशन के जवाब में पश्चिमी हथियार सप्लाई बढ़ने के संकेत अब नहीं है। इसके बाद दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधा आइए, पुतिन ने दिया पूर्व अमेरिकी एजेंट को जासूसी का इनाम। रूस में शरण लेने वाले स्नोडेन को 9 साल बाद मिली नागरिकता। तीसरी खबर, यूक्रेन में रूसी रेफरेंडम को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और सहयोगी बनावटी जनमत को समर्थन नहीं देंगे, व्हाइट हाउस ने कहा। चौथी बड़ी खबर, बाढ़ के बाद चीन से कर्ज में राहत मांगे पाकिस्तान। यह अमेरिका ने कहा, चीन से लोन रिस्ट्रक्चर करने को कहे पाकिस्तान, ब्लिंकन ने यह भी कहा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है एस्टोनिया के पीएम की, वो खुद जैवलिन चला रही हैं, वो हम आपको खबर दिखाएंगे। मैं चाहूंगा सीधे विजुअल्स प्ले ऑन करें। एस्टोनिया की जो पीएम है वो जैवलिन चला रही है, सीधे सिर्फ विजुअल्स दिखाइए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बड़ी हैरान करने वाली खबर है एस्टोनिया की, ये पीएम, ये देखिए तस्वीरें, एम्बियंस आप करिए। एस्टोनिया की जो पीएम है काजा कलास ने थामी जैवलिन, ये देखिए, और ये जैवलिन जो है किस तरीके से एस्टोनिया की पीएम ये चला रही है, और ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से क्या इरादा है और ये सब लोग किस ओर देख रहे हैं। ये देखिए, हालांकि ये जैवलिन लोडेड नहीं है फॉर श्योर, ये मैं जरूर कह सकता हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, ताइवान संकट में घसीटे जाने के खिलाफ है साउथ कोरिया। प्रेसिडेंट यून ने कहा प्योंगयांग से खतरे पर है फोकस। एक और बड़ी खबर, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। सबसे लंबे वक्त तक जापान के पीएम रहे आबे को दी गई स्टेट फ्यूनरल। एक और बड़ी खबर, आबे के स्टेट फ्यूनरल पर जापान में हजारों लोगों का प्रदर्शन। इस इवेंट में देश के कीमती संसाधनों का बेवजह इस्तेमाल, यह कहा प्रदर्शनकारियों ने। और एक और बड़ी खबर, चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन का विरोधी खिलाड़ी पर बड़ा आरोप। हैंस नीमन ने खुलेआम चीटिंग की, मैग्नस कार्लसन ने कहा। आइए अब आपको ये 8 ब्रेकिंग दिखाते हैं, सीधे देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारी खबरें और इसके बाद सीधे हम अपने मेहमानों को दिखाएंगे। यूक्रेन को वेपन सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो कि काफी हद तक सही है। पुतिन ने क्या कहा है, पुतिन ने स्नोडेन को कहा है कि हम आपको रशियन सिटीजनशिप दे रहे हैं 9 साल के बाद। एक और बड़ी खबर वो ये है कि यूक्रेन में रूसी रेफरेंडम को मान्यता नहीं देगा अमेरिका, ये क्लियर कट हो चुका है। फिर बाढ़ के बाद चीन को मदद के लिए बोले पाकिस्तान, या अमेरिका ने चाइना को कहा है, पाकिस्तान को कहा है। फिर ताइवान संकट में घसीटे जाने के खिलाफ है साउथ कोरिया, कहा हमारा फोकस प्योंगयांग है। और सबसे लंबे वक्त तक जापान के पीएम जो रहे उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर है आबे के स्टेट फ्यूनरल पर जापान में हजारों लोगों का प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर, चेस में कहा गया है कि चीटिंग हुई है, किसने कहा है ध्यान से देखें, जो कार्लसन है उन्होंने कहा है, मैग्नस कार्लसन ने कहा है कि उनके विरोधी खिलाड़ी जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।